त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में हमेशा से भाजपा जो है वो काबिज रही है, पहले विजय बर्थवाल, फिर उसके बाद रितु खंडूरी और अब रेनू बिष्ट। रेनू बिष्ट वही जिसने वनंतरा रिजॉर्ट जहां पर पुलकित आर्या ने शायद उस बेटी की हत्या करी, वहां पर जितने साक्ष्य थे उनको मिटाने का काम रेनू बिष्ट विधायक यमकेश्वर ने किया। पुलकित आर्या ने ये जमीन कहा जा रहा है 2009 में खरीदी, तो पुलकित आर्या तो मात्र 21 बरस के आसपास का रहा होगा, इतने पैसे आ गए उस पर कि उसने जमीन ही खरीद ली। पिता विनोद आर्य छूटा हुआ क्यों है, वो जेल में क्यों नहीं है? अगर वो जमीन उसने खरीदवाई अपने 21 साल के बेटे के लिए तो जिम्मेदारी उसकी है। और फार्मेसी के नाम पे वो जमीन खरीदी गई, वहां पे जो फार्मेसी है जो कुछ भी वहां पर है उसमें बताया जा रहा है कि विनोद आर्य की पत्नी सुनीता आर्या और स्वाति शायद पुलकित आर्य की पत्नी होगी, ये डायरेक्टर्स हैं। तो ये बताया जाए कि यमकेश्वर में इतने सारे ये जो रिजॉर्ट्स बने, क्या विजया बर्थवाल को दिखाई नहीं दिया? रितु खंडूरी के टाइम पे ये बढ़ते चले गए, इनको पता नहीं चला? आज ये कोटद्वार की एमएलए हैं तो अपने हाथ खड़े कर देंगी, जिम्मेदारी नहीं बनेगी, जिम्मेदारी रितु खंडूरी जी आपकी है। यमकेश्वर के लोग भीड़ नदी के ऊपर एक ब्रिज की मांग करते रहे विजय बर्थवाल के समय पर। विजय बर्थवाल इसीलिए हारने के चांस बन रहे थे, इसने हटाकर इनको लाना पड़ा रितु खंडूरी को। रितु खंडूरी ने भी ये वादा किया कि भीड़ नदी पर वो ब्रिज बनाया जाएगा। बनाया क्या आपने? और अब इस जिम्मेदारी से कैसे भांगेगी कि ये सारे के सारे जो रिजॉर्ट्स हैं ये आपके समय पर हुए? तो भाजपा की सरकार, भाजपा के विधायक और भाजपा की महिलाएं विधायक, महिला विधायकों के कारण बेटी अंकिता भंडारी के प्राण गए हैं, क्योंकि आपने वहां पर देह व्यापार करवाया है। महिला विधायक भाजपा की, जिसमें आज की विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूरी भी है, जिसमें विजया बर्थवाल भी है, और जिसमें आज वाली तो है ही रेनू बिष्ट, जिसको आपने अब तक गिरफ्तार नहीं किया। जिम्मेदारी आपकी है रितु खंडूरी जी, बताइए, जवाब तो देना पड़ेगा, वरना जनता जानती है कि जवाब कैसे लिया जाता है।